एक ओर समाज सेवी और जिला प्रशासन गरीब जनता और मानसिक रूप से परेशान लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जनपद इटावा में एक दबंग व्यक्ति महिला और उसके बच्चे के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। वहीं महिला और उसके बच्चे के साथ पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नोरंगाबाद चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है और महिला मानसिक रूप से परेशान है। इस दौरान महिला ने प्रदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति के एक परिजन को हाथ मार दिया था, जिसके बाद प्रदीप गुप्ता आक्रोशित हो गए और मानसिक रूप से परेशान महिला के पास पहुंचे और युवक ने महिला और उसके बच्चे की पिटाई कर दी। वहीं पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन सख्त हुआ और आरोपी प्रदीप की तलाश में जुट गया है। पानी वाले गुप्ता जी ने और बच्चे को ही मारा? बड़ा मारा। क्यों मारा? अरे क्या साल से रह रहे हो यहाँ पर? अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारा वहाँ मोहल्ले में घर है तो तुम यहाँ रोड पे गिर गया? गिर पड़ा, गिर गया ये हर्षनगर मोहल्ला है, उसका मामला है। कोई पागल महिला है, वो अपने चूंकि पागल है तो पागल तरह तरह की हरकतें करते हैं, वो गाली गलौज भी करती है पता लगा है, और किसी महिला को उसने डंडा मार दिया है। इससे जो महिला जिसको डंडा मारा था उसके परिजनों को कष्ट हुआ, उनको लगा कि गलत किया है और उनको सहनशील होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी गलती कर दी, उस महिला से मारपीट कर दिया। अब उसके लिए तहरीर मंगाई गई है पुलिस की तरफ से ही, और उसमें उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।